सत्तर पॉइंट्स उनको मिले हैं उनतीस प्लेसमेंट पॉइंट इकतालीस फिनिशे उनके पास हैं। कहां पे थे मैं तो बात कर रहा था टॉप 15 के अंदर आने की ये तो सीधा टॉप 10 में छलांग मार के गए सत्तर टोटल पॉइंट उनके पास है राइवलरी थोड़ा सा पीछे सत्तर उनके पास भी है बट प्लेसमेंट ज्यादा थे एचएस के के पास इसलिए थोड़ा सा ऊपर रहेंगे अभी भी सेम पे रहेगी ब्लाइंड सत्तर के साथ है ओजी की 88, के मिन की 88 बात करें वो नीचे पहुंचे चलिए टीम डे थ्री आ, पूरे डे में डे वन पे हमारे पास फॉर थी डे टू पे केविन थी डे थ्री पे इनसेन आई तो हर दिन हमारे जो टेबल टॉपर हैं वो बदल रहे हैं बट एच के लिए मैं बहुत ज्यादा खुश की इतना लंबा छलांग उन्होंने लगाया और रेड थर्ड प्लेस पे वो पहुंचे थे टेन प्लेसमेंट पॉइंट उनको मिलेंगे अभी उनको फिनिशेस पे काम करना पड़ेगा क्योंकि आप देखें तैतीस प्लेसमेंट पॉइंट और मात्र उन्नीस फिनिशे उनके पास हैं तो फिनिशे पे उनको काम करना पड़ेगा क्योंकि बाकी सारी टीम के पास फिनिशे ज्यादा है प्लेसमेंट थोड़े से कम है आप स्काईलाइट की बात करें तो उनतीस प्लेसमेंट पॉइंट और मात्र सॉरी मात्र उनतीस प्लेसमेंट पॉइंट साथ में चौतीस फिनिश पॉइंट उनके पास ये यूपी फिफ्टी की स्कोर्ड खिसकते 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 नीचे <laughs> आ रही है इस वक्त फोर्टी फोर पॉइंट उनके पास है टीम सोल फोर्टी वन कोई इजाफा नहीं हुआ क्योंकि वो पहले ही खत्म हो चुके थे पॉज ऑफिशियल आज के तीनों मैचेस मैं बोलूंगा कि बिल्कुल अच्छे उनके नहीं गए उनके खाते में बिल्कुल भी नहीं गए उनको भी ऊपर निकलने की जरूरत पड़ेगी की बात जाए तो यस बिल्कुल उनके भी उतने अच्छे मैचेस नहीं गए निगमा गैलेक्सी कोशिश उनकी भी भरपूर है बट वही है चेंजेस काफी ज्यादा हो रहे हैं टीम्स में तो वो सिनर्जी की उनके भी उतने अच्छे गेम जा नहीं रहे वार ई स्पोर्ट्स अभी भी आप प्लेसमेंट पॉइंट पे ध्यान दे आठ आई एनडी आठ टॉप फाइव में कोई चेंजेस नहीं सबिटार भी इसके साथ अक्षत उन्नीस अक्षय सत्रह जीगोड एंड ओपी ओके जीगोर्ड एक का फिनिश ज्यादा आगे निकले सोलह के साथ है स्पाई अभी भी पंद्रह